जय श्री कल्कि, जय सिया राम, जय हनुमान। आने वाला समय एक बैटल फील्ड हर किसी के लिए, लेकिन उसमें वही जीतेगा जो सही तरीके से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। एक इंसान को आप तब तक नहीं हरा सकते जब तक कि वो गिव अप नहीं करता है, यानी जब तक इंसान मन से ना हारे, मन से ना टूटे, मन से अपनी हार स्वीकार ना करे, तब तक उसे हराना बेहद मुश्किल है। अनकंडीशनल विक्ट्री भारतवर्ष की पहले ही तय कर दी गई है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अनकंडीशनल विक्ट्री के लिए ही भगवान कल्कि ने इस धरा पर जन्म लिया है, और आते ही उन्होंने मुहर लगा दी है भारतवर्ष को विश्वगुरु बनने से नहीं रोक सकता कोई। कोई भी ऐसा आज इस दुनिया में नहीं है जो भारतवर्ष के तरफ नहीं देख रहा। भारतवर्ष की लगातार प्रगति के कारण ही उसका नाम लगातार रोशन होता चला जा रहा है, और आने वाले समय में अभी तो युद्ध लड़ना बाकी है, थर्ड वर्ल्ड वॉर बाकी है, एटॉमिक वॉर बाकी है, लेकिन उन सब के पहले ही ऐसा लग रहा है युद्ध लड़े बिना ही जीत निश्चित कर दी गई है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार श्री कृष्ण ने जीत का टीका लगा दिया था पांडवों के मस्तक पर, यानी महाभारत के युद्ध के पहले ही श्री कृष्ण ने पांडवों की जीत पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो जब श्री कृष्ण ने हस्ताक्षर कर दिए पांडवों की जीत पर, तो भला कौरव की हार कैसे नहीं होती है, और कैसे वो अपनी विशाल सेना के द्वारा पांडवों को हराने की हिम्मत कर सकते थे। ठीक आज के हालात भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। आज अभी इलेक्शन हुआ भी नहीं है, वोटिंग चल रही है, सिर्फ अभी दो चरणों में इलेक्शन वोटिंग डाले गए हैं, लेकिन अभी से ही लोगों ने जोड़ तोड़ करके अपने अपने विक्ट्री की गारंटी सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर डिक्लेयर कर दिया है। यानी हर कोई अपने आप को आज बॉस मानकर बैठ गया है, लेकिन वास्तव में बॉस कौन है ये भगवान कल्कि आने वाले समय में दिखलाएंगे, क्योंकि उनका मिशन जहां हिडन है, वो हिडन मिशन को अपने डिवाइन विजडम के द्वारा लगातार आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है। अभी युद्ध खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन उस युद्ध के खत्म होने के पहले ही, रिजल्ट आने के पहले ही सभी लोगों ने अपने आप को बता दिया है कि उन्हीं की सत्ता में गवर्नमेंट बनने जा रही है, यानी उन्हीं की गवर्नमेंट की पर उन्होंने मुहर लगा दी है, और अपने फॉलोअर्स को भी कह दिया है कि हम ही लोग आ रहे हैं रूलिंग पार्टी बनकर। यानी एक तरफ मोदी की जय जयकार, दूसरी तरफ राहुल गांधी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, अखिलेश यादव भी कूद पड़े हैं। इसी में ममता बनर्जी की चित्कार अलग ही सुनाई पड़ रही है। अभी तो बाकी है रिजल्ट आना, और बाकी चार चरणों में अभी चुनाव बाकी है, लेकिन अभी से जो जमीनी स्तर पर उथल पुथल मच गई है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है हर कोई आने वाले समय में अपने आप को ही बिग बॉस बनाना चाहता है। लेकिन आने वाले समय में इन्हीं बिग बॉस के ऊपर है भगवान कल्कि, जो है सुपर बिग बॉस, क्योंकि उनके हिडन मिशन के तहत कब कौन सी घटना किस समय घट रही है, कहां पर, ये तो किसी को कानों कान खबर भी नहीं हो रही है। और अचानक से एक नया धमाका जब लोगों के सामने आ रहा है, तब लोगों को समझ में आ रहा है कि अच्छा ऐसा कुछ भी है। कहीं पर दीवारों से नोटों की गिनती, यानी दीवार जब गिराई जा रही है तो उसके पीछे नोट ऐसे लगे हुए हैं, लग रहा है कि उन नोटों की इमारत दीवार के पीछे खड़ी कर दी गई है, जिसे कोई सामने से देख नहीं पा रहा है। कहीं जमीन के अंदर दबे हुए
वो कारतूस निकल रहे हैं, बंदूकें निकल रही हैं, जिनके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। कहीं पर नोटों की गड्डियां, जो जहां पर गाड़ियां खड़ी की जाती हैं पार्किंग प्लेस पे, वहां से निकल रही हैं, क्योंकि उन नोटों के द्वारा वोटर्स खरीदे जा सके। और कहीं पर कोई और ही कांड, और इस तरह के नए नए स्कैम्स जब बाहर आ रहे हैं तो लोग भी सोच में पड़ जा रहे हैं कि क्या वास्तव में कौन सी पार्टी आएगी, क्या 400 पार जिसने कहा वो लोग आने वाले हैं, या जो लोग उनके विपक्ष में, उनके विरोध में जो नारे बुलंद कर रहे हैं कि ये संविधान को बेच कर खा जाएंगे, वो लोग आने वाले हैं। खैर, आने वाला समय, लेकिन ये बात तो पक्की है कि भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा। ये बिना तृतीय विश्व युद्ध लड़े ही ऑलरेडी पुराणों में, ऑलरेडी भविष्य मालिका में इस बात की चर्चा कर दी गई है। यानी ये ऑलरेडी डिसाइडेड है भगवान के द्वारा कि भारतवर्ष ही लीड करेगा सभी राष्ट्रों को, सभी देशों को। चाहे आज कोई अपने आप को सुपर पावर क्यों ना बता दे, लेकिन सभी को भारतवर्ष के अंडर में ही आना है। और भारतवर्ष से जो बात निकलेगी, जो डिसीजन होगा, वही फाइनल होगा। क्योंकि सिर्फ यहाँ पर बातें नहीं हो रही हैं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर काम भी हो रहा है। हमारा देश जो है वो लोगों के सामने एक ऐसे रूप में आ रहा है जहाँ पर लोगों को पता चल रहा है कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलने वाला, अब जो काम करना है और जो कर्म हो रहे हैं वो सही तौर पर, सही जगह, सही तरीके से काम हो रहे हैं कि नहीं, इस बात पर सफलता आने वाले समय के लिए निर्भर करती है। तो एक तरफ हमारे ही देश के लोग अपने देश के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन बाहर कहीं बैठे हुए लोगों की नज़रें हमारे देश पर है कि अगर सच में भारतवर्ष कभी विश्व गुरु बन गया तो हमें उनके अंडर में काम करना होगा। आज हम सुपर पावर बने हुए हैं, आज भारतवर्ष को हम आंख दिखला सकते हैं, कल कहीं पासा न पलट जाए। तो पासा तो वैसे भी पलटने वाला है, क्योंकि अनकंडीशनल विक्ट्री लेकर जब भगवान कल की इस धरा पर उपस्थित हैं तो उनके हिडन मिशन के तहत ऑलरेडी ये डिक्लेयर्ड है कि विश्व गुरु, वर्ल्ड लीडर भारतवर्ष को बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लग रहा है कि नियति ने नरेंद्र मोदी के मस्तक पर विजय का तिलक लगा दिया है। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी के लिए अपना वीडियो नहीं बना रही हूँ, उस तरह के आप तो कमेंट मत कीजिएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि मैंने कहा हर पार्टी अपने आप में बहुत अधिक मेहनत कर रही है, लेकिन भगवान कल्कि की नज़रों में आने वाले समय के लिए जो स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसके अंदर फाइटिंग स्किल्स रहेगी, जो भारत वर्ष के लिए लड़ेगा, जो अपनी सत्ता के लिए या अपने स्वार्थ और अपने लालच के लिए केवल और केवल सत्ता में नहीं बना रहेगा, वही असली हकदार होगा। तो कौन किसकी निगरानी में, किसके कंट्रोल में हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, ये तो आने वाला समय बतलाएगा। क्योंकि बहुत लोग योगी आदित्यनाथ के बारे में भी ऑलरेडी प्रेडिक्शन दे चुके हैं, और मुझे भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ में वो फाइटिंग स्किल्स नज़र आती है, या वो सनातन के प्रति जो उनका झुकाव है, हिंदू धर्म को आगे लेकर जाने में जो उनकी भागीदारी है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि विश्व गुरु बनने की राह में नरेंद्र मोदी का यदि हाथ रहेगा तो योगी आदित्यनाथ का भी हाथ बहुत ज़्यादा रहेगा। यानी उनकी तरफ से भी पूरी कोशिशें की जाएंगी, क्योंकि उनको आज तक न विदेशों में घूमते हुए देखा गया, ना ही उन्हें किसी पार्टी में जाता हुआ देखा गया। यानी चुपचाप सनातन की राह पर चलने वाले और हिंदू धर्म को ही आगे लेकर बढ़ाने वाले, मानवता का संदेश देने वाला जो इंसान होगा, वही विश्व गुरु भारतवर्ष को न सिर्फ बनाएगा, बल्कि भारतवर्ष उसके अंडर के शासन में विश्व गुरु बनेगा। ये तो खैर आने वाला समय डिसाइड करेगा, लेकिन लगता है ऐसे कि युद्ध से पहले ही सबने अपनी अपनी जीत अपने मस्तक पर लिख दी है अपने ही हाथों से, और कह दिया है
जी हाँ, हम ही हैं मुकद्दर का सिकंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।